हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब राइट अवे। अब इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर डिटेल्ड वेरिएंट वॉक अराउंड और आज हमारे साथ है द महिंद्रा XUV 700 और उसका MX वेरिएंट। अब इसके अंदर हम डिटेल में जाने वाले हैं बट उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो और कन्फ्यूज हैं, चाहे वो ये हो या कोई और गाड़ी हो, आप मेरे साथ, रचित के साथ और हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये गाड़ी देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे ऑफ द XUV 700 इज द मैसिव फ्रंट। ये फ्रंट काफी बढ़िया लगता है एंड पता ही नहीं चलता, कोई बड़ा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसे गिव अवे करता है कि ये एक बेस वेरिएंट है। इनफैक्ट जो जो चीज़ें इस गाड़ी में आती हैं एक्चुअली वो बेस वेरिएंट जैसी लगती नहीं है। सो आप ग्रिल देख रहे हैं। अब ये जो ग्रिल है इज द स्टैंडर्ड ग्रिल ऑन द XUV 700। आपके पास आपके सैटन फिनिशेस मिक्स्ड विथ योर पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे एंड द लुक वेरी प्रीमियम और ये बाकी के भी वेरियंट्स पे यही आते हैं। आपके पास आपका ट्विन पीक्स वाला लोगो है क्रोम में एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है। नाउ कमिंग टू द साइड ऑफ द फ्रंट, आपके पास आपकी हेडलैम्प्स है और मैं ये चालू करके दिखाऊंगा आपको, एज वेल एज मैं आपको इंजन जो है इस गाड़ी का वो भी चालू करके दिखाऊंगा। सो, यहां पर आपके पास जो आपकी हेडलाइट्स हैं, आप नोटिस करेंगे आर नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प्स जो आपको मिलते हैं इस गाड़ी पे और टर्न इंडिकेटर भी जो आप देख रहे हैं इस गाड़ी पे वो आपको मिलता है ऑन द साइड हियर। आपके पास वो डायनामिक लाइट नहीं है जो आपको मिलती है ऑन द वेरिएंट्स अबव। और दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, यू हैव नो फॉग लैंप्स। अब गाड़ी बंद कर देता हूँ एंड जो आप इंजन की आवाज़ सुन रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी को मिलते हैं दो इंजन ऑप्शन। आपको मिल जाता है एक पेट्रोल इंजन और आपको मिल जाता है एक डीजल इंजन। जो डीजल इंजन आता है इसमें वो एक लोअर स्टेट ऑफ ट्यून है, तो AX3, AX5, AX7 जो ऊपर के वेरिएंट्स हैं उन्हें मिलता है 185 ब्रेक हॉर्स पर, यहाँ पर आपको मिलता है 155। बट जो पेट्रोल इंजन है इज द फुल्ली लोडेड 200 ब्रेक हॉर्स पर इंजन एंड बहुत लोग, जितना मैंने पूछा है लोगों को, यूज़ कर रहे हैं ये। इवन इफ दे बाय द बेस वेरिएंट ऑफ द 700 वो पेट्रोल इंजन के साथ खरीद रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं जिनका यूज़ कम है गाड़ी का एंड दे वॉन्ट समथिंग बिग एट द सेम टाइम, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बाई सच अ कार। अब साइड देखते हैं इस गाड़ी का। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं आप पहली चीज़ जो नोटिस करेंगे ऑब्वियसली आर दी स्टील व्हील्स। अब ये 17 इंच के टायर्स जो है MRF वंडरर्स पे आपको स्टील व्हील्स ही मिलते हैं। मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स जो अपना लोअर वेरियंट रखते हैं ये सेगमेंट में या इसके बिलो की सेगमेंट में, आपको स्टील व्हील्स ही मिलते हैं एंड देर इज नथिंग डिफरेंट हियर। ऑब्वियसली यू कैन स्वॉप देम फॉर अलॉय व्हील्स लेटर ऑन। अब अगर ऊपर बढ़ेंगे हम साइड में, आप देखेंगे आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के मिल जाते हैं ORVMs विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल। उसके अलावा आप सीधा नोटिस करेंगे कि जो आपका विंडो सिल है ऊपर नीचे इज जस्ट अ सिंपल ब्लैक कलर। आप ऊपर के जब वेरियंट्स पे जाते हैं तो ये सारा कुछ क्रोम में बदल जाता है। ऊपर आपके पास रूफ रेल्स मिलते हैं आपको इस गाड़ी में, ये नोटिस करेंगे आपको ये ब्लैक सैटिन फिनिश में रूफ रेल्स मिल जाते हैं। बट द बिगेस्ट थिंग ऑब्वियसली ऑन द 700 जो काफ़ी डिफरेंट है दूसरी गाड़ियों से आर द स्मार्ट डोर हैंडल्स। अभी ये अनलॉक करने के टाइम पे बाहर पॉप आउट नहीं होते जैसे टॉप वेरिएंट AX7 पे होते, बट यू जस्ट नीड टू प्रेस देम लाइक दिस एंड ये बाहर आ जाते हैं। आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, बंद कर देंगे अपने आप ये अंदर चले जाते हैं। देन और पीछे की तरफ जब हम आएंगे आप देखेंगे आपका क्वार्टर ग्लास जो है काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है, सिमिलर दैट यू गेट इन ऑल द कार्स। देन कमिंग टू द रियर, वी हैव टू फर्स्ट शो यू द बूट स्पेस। तो यहाँ पर आपके पास एक काफ़ी बड़ा बूट है बिकॉज MX वेरिएंट पे आपको नहीं मिलती है एक थर्ड रो, और थर्ड रो नहीं होने के कारण आपके पास यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। बट आप नोटिस ज़रूर करेंगे कि यहाँ पर आपको फिर भी कुछ एमिनिटीज़ दी हुई हैं, जैसे कि आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं एक कप होल्डर है और 12 वोल्ट का आपको सॉकेट भी मिल जाता है। दूसरे साइड पे भी आपको मिलता है एक कप होल्डर एज यू कैन सी। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके बूट का हिडन फीचर, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपके सारे टूल्स हैं, राइट, वेरी नॉर्मल
बट जब आप इसे खोलेंगे आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाती है एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस जो हिडन है कम्प्लीटली। तो आप सामान जो यहाँ पर आपको रखना है, जो आपको चाहिए कि लोग नहीं देख सके गाड़ी के बाहर से अंदर, आप वो ये सब रख सकते हैं। अब मैं करूँगा इसको बंद। रियर जो है इसका आपने देखेंगे आपको LED टेल लैंप्स ही मिल जाते हैं इवन इन द बेस वेरिएंट ऑफ दिस कार, और आपके पास आपकी नॉर्मल ट्विन पीक्स की बैजिंग है। XUV700 का आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है और आपके पार्किंग सेंसर्स जो है वो यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं। अगर आप रियर विंडशील्ड नोटिस करेंगे आपको यहाँ पर रियर वाइपर नहीं मिलता, ना इधर आपको डिफॉगर मिलता है। आपको ऑब्वियसली आपका यहाँ पे मिल जाता है नॉर्मल स्पॉइलर विद अ हाई माउंटेड टेल लैम्प, और आपके पास एक नॉर्मल एंटेना ही है। ऊपर के वेरिएंट्स में आपको शार्क फिन एंटेना मिलना चालू हो जाता है। अब हम आ गए हैं फर्स्ट इनसाइड द सेकेंड रो ऑफ द कार। अब यहाँ पर जैसे ही आप बैठेंगे आप नोटिस करेंगे आपको मिलती है सिंपल क्लॉथ सीट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर उनमें। हम ये जो 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में 7W यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मिडिल रो है उससे हम काफ़ी वाकिफ़ हैं, एंड दिस इज़ अ गुड प्लेस टू बी। यहाँ पे आपके पास डिसेंट स्पेस है, ऑब्वियसली मोर देन यू नीड। अभी ये सीट जो है ड्राइवर के हिसाब से एडजस्टेड है, फिर भी मेरे पास आप देख सकते हैं कितना नी रूम है। हेड रूम मेरे पास काफ़ी डिसेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास यहाँ पे एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं आपको फॉर बोथ द पैसेंजर्स। मिडिल सीट में आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द फीचर्स हियर। सबसे पहले आप देखेंगे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं इवन इन द बेस वेरिएंट ऑफ दिस कार, सो ये एक अच्छा फीचर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको फोन स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाती है, सो आई कैन कीप अ फोन हियर इजीली। देन आपके पास यहाँ पर एक सी टाइप पोर्ट है जो पीछे मिलता है आपको, फास्ट चार्जर विच इज़ अ गुड टच। देन अगर हम नोटिस करेंगे आपके पास जो डोर पैड्स हैं उसमें आपके पास डिसेंट स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको, ये देख सकते हैं आपके पास एक बॉटल रखने की जगह है एंड अ लिटिल बिट मोर स्पेस देयर एज वेल। सबसे बड़ी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि बेसिकली आपके पास जो आपका एनवायरनमेंट है इन द सेकेंड रो ऑफ द 7W इज़ क्वाइट गुड। लाइक आई सेड रियर एसी वेंट्स है, सब कुछ है यहाँ पर जो आपको चाहिए, ज़रूरत है वो सब कुछ है। पावर विंडोज़ ये देखिए, यहाँ पे सैटिन फिनिश भी जो आपको मिलती है इज़ अ नाइस टच। You want all that in a premium car and with the lower variant of this car, आपको ये सब मिल रहा है। चलते हैं अभी फ्रंट रो में। सो गाइज अब हम आ गए हैं इनसाइड द XUV700 MX वेरियंट के फ्रंट रो में। ये देख लीजिए इसकी चाबी। अब चिप शॉर्टेज के कारण आपको इस समय एक ही चाबी मिलेगी इस गाड़ी के साथ, दो चाबियाँ नहीं मिलेंगी, बट लेटर ऑन आप आके अपनी सेकेंड चाबी की डिलीवरी भी ले सकते हैं। अब मेरे को डालना है इसको इग्निशन में, नो स्टार्ट स्टॉप, और गाड़ी मैंने चालू कर दी। राइट, सीट बेल्ट पहन लेता हूँ क्योंकि ये चाइमिंग आएगी आवाज़ इसकी। एंड द मोमेंट यू सिट इन दिस कार लुक एट व्हाट यू हैव गॉट। आपके पास यहाँ पर आपका 8-inch का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, उसके साइड में आपके पास आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स लुक एंड फील नाइस। राइट, ये एक बेस वेरिएंट की वाइब अभी तक नहीं दे रहा क्योंकि आपके पास एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी कुछ है। अब जैसे ही हम देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज हैं, तो राइट फ्रॉम अ व्हीकल मेन्यू, एंड इट्स अ कम्प्लीटली डिजिटल यूनिट, इट डजंट लुक लाइक इट्स अ बेस वेरिएंट यूनिट। ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, लेट्स चेक दैट वन आउट, एंड यू गॉट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। आपके पास ऑब्वियसली आपके दो बेसिक डायल्स जो है, आपका स्पीडोमीटर का, RPM गेज का, टेलटेल लाइट्स। अब वो जो इंजन वार्निंग लाइट आ रही है क्योंकि गाड़ी की बैटरी कम थी, तो दैट इज वाई इट्स कमिंग देयर। आपका फ्यूल गेज नीचे है, टेम्परेचर गेज नीचे है, एंड ऑब्वियसली यू गॉट योर टाइम एंड एम्बिएंट टेम्परेचर का ऊपर वार्निंग। अदर देन दैट अगर हम इसका देखें यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील, इट्स अ बेसिक स्टेयरिंग व्हील, लेदर एप्ट नहीं है, नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील ही है। आपके पास यहाँ पे आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं, ये देख लीजिए, एंड पीछे आपके पास आपको मिल जाते हैं आपके स्टॉक्स फॉर, एक साइड पे आपके वाइपर कंट्रोल्स के, एक साइड पे आपके हेडलाइट के स्टॉक्स मिलते हैं। अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, आपका मेन्यूज के बटन है, जो बेसिकली ये सारे बटन जो है कंट्रोल करते हैं आपके MID को आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। देन यहाँ पे आपके पास आपका हेडलाइट का लेवल्स चेंज करने के लिए बटन भी मिलता है आपको, एंड दैट्स अबाउट इट। अब देखते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो यहाँ पे 8-inch का आपको मिलता है। यहाँ पे आपके पास अपना रेडियो, म्यूजिक, फोन एंड
एप्लीकेशंस के मेन्यूज़ हैं, ये आपका होम मेन्यू है इस 8 इंच की टच स्क्रीन पे। ऑब्वियसली इसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का आता है, नॉट वायरलेस। एंड देन वी कैन गो इनटू द वेरियस मेन्यूज़। यहाँ पे नीचे आपका पुल डाउन मेन्यू आपके नोटिफिकेशन के लिए, यहाँ से पुल करेंगे तो आपका इको सेंस, ड्राइव मैनेजर, ओनर्स मैनुअल जो डिजिटल आती है इसमें वो मिल जाती है। सो ये जो बड़ी 7W की एडेनॉक्स की बड़ी स्क्रीन जो आती है आपने देखी होगी हमारे वीडियोस में, फील वैसा ही है इस स्क्रीन का भी। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द अदर थिंग्स इन दिस कार। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपके पास आपका मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं, तो ब्लोअर का स्पीड एडजस्ट करने के लिए, टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, वेरियस बटन्स फॉर विच काइंड ऑफ सेटिंग डू यू वॉन्ट, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे आपके पास आपके टॉगल स्विचेस भी दे दिए हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर आप। एंड उसके नीचे अगर आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे डिसेंट फोन स्टोरेज भी मिलती है, नॉर्मली वायरलेस चार्जिंग मिलती है बट दिस फोन स्टोरेज एज वेल। एंड आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक USB पोर्ट भी आपको मिल जाता है इस गाड़ी में, एंड अनदर स्मॉल स्टोरेज जो अंदर तक जाती है, तो आपका फ़ोन जो है यहाँ पे अंदर बैठ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक मैनुअल गियर बॉक्स है। MX में आपको सिर्फ मैनुअल ही मिलता है इन द डीजल एंड द पेट्रोल। सो ये गियर बॉक्स आपका कुछ ऐसा लगेगा, रिवर्स करने के लिए आपको पुल करके गाड़ी को रिवर्स में डालना पड़ेगा। हैंड ब्रेक आपका अगेन यू गेट अ नॉर्मल हैंड ब्रेक विच इज़ क्वाइट गुड एंड चंकी। देन आपके पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस है दो, एक कप होल्डर मिलता है, एक शायद आपके पास स्पेस जो है वो एक की रखने के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक आर्म रेस्ट है, ये देख लीजिए। लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स डोंट गिव आर्म रेस्ट एक्चुअली इन बेस वेरियंट कार्स, बट यहाँ पर विद द 7W आर्म रेस्ट आपको मिलता है। इट्स नॉट एडजस्टेबल बट इट्स गुड दैट दे हैव गिवन। जो सीट्स है इस गाड़ी की, अगेन द नॉर्मल क्लॉथ सीट्स, सिंपल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, नथिंग डिफरेंट हियर। आपको मैं दिखा देता हूँ ड्राइवर साइड की जो सीट है इज एडजस्टेबल फॉर हाइट, ऑब्वियसली रिक्लाइन एंड नी रूम के लिए भी एडजस्टेबल है। जिसका स्टीयरिंग व्हील है ये देख लीजिए, इज एडजस्टेबल फॉर ओनली टिल्ट, नॉट टेलीस्कोपिक। ओके, सो मैं आपको एक लास्ट चीज़ दिखा देता हूँ, वो है यहाँ पर इसकी स्टोरेज स्पेस इन द ग्लव बॉक्स, ये देख लीजिए। तो आपको कुछ ऐसी स्टोरेज मिल जाती है, ऊपर भी आपको एक छोटा सा स्पेस मिलती है, यहाँ पर आप वहाँ पर भी कुछ सामान रख सकते हैं। सो ये था द MX वेरिएंट ऑफ द XUV 700। अब प्राइसेस की अगर हम बात करें, 15.7 लाख से लेकर 16.8 लाख ऑन रोड मुंबई आपको ये गाड़ी मिल जाएगी पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑप्शंस में। अब क्या आपको ये लेनी चाहिए? आई थिंक इट मेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ सेंस अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्चने नहीं है। अगर आपका हाईवे यूज़ ज़्यादा है द डीजल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पेट्रोल इंजन आप ले सकते हैं अगर आप मैनुअल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ वहाँ ही जाना है, यू नॉट समवन हु वांट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स, यू वांट गुड बिल्ड क्वालिटी, यू नीड स्पेस इन योर कार, अ पेट्रोल इंजन इज ऑल्सो गुड। एंड ऑब्वियसली यू गेटिंग द बिग 200 ब्रेक हॉर्स फॉर पेट्रोल इंजन जो पावर भी अच्छी देगा आपको। सो फाइनली दिस वॉज द कार। कॉमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आप कंसिडर करेंगे द MX वेरियंट जो आपने आज देखा है यहाँ पे, जो आपको फीचर्स पता चले इस गाड़ी के बारे में, मुझे बताइए डू दे मेक सेंस फॉर यू। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन चैनल, इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे अलग कंटेंट काफ़ी आता है। एंड टेक केयर।